फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ सोया चाप कोरमा रेसिपी। तो देखिए, मैंने इनको गर्म पानी में डाल दिया था, तो ये सही हो गई है। अब हम इनको निकालेंगे इस तरीके से। तो देखिए कितनी इजीली निकल रही है। तो हम इसी तरीके से अपनी सारी निकाल लेंगे। तो देखिए, मैंने इनको सभी को इस तरीके से निकाल लिया है। तो हम इनको कट कर लेंगे इस तरीके से, छोटे छोटे टुकड़ों में। आप चाहें किसी भी शेप से काट लें, तो मैं इनको इस तरीके से काट रही हूँ, इस तरीके से। तो देखिए, मैंने सभी को काट लिया इस तरीके से। तो हम इनको कर लेंगे फ्राई। तो इधर मैंने रख दी थी अपनी कढ़ाई गरम करने के लिए, गरम हो चुकी है। तो हम इनको इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। ऐसे सेक लेंगे इनको चलाते हुए इस तरीके से, गोल्डन ब्राउन होने तक, इनको ज़्यादा ना सेकें। देखिए सर, हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इनको निकाल लेंगे प्लेट में। बाकी बचे हुए भी इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। हमारी ये भी फ्राई हो चुके हैं, हम इनको भी निकाल लेंगे। मैंने कुछ ऑनियन को इस तरीके से कट कर लिया था लंबे लंबे पीसों में, तो हम इनको फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारी प्याज भुनी है, तब तक हम कर लेंगे अपनी प्रिपरेशन चाप को मैनेज करने के लिए। तो ये हमारा घर का जमा हुआ दही है फ्रेंड्स, तो हम इसको ले लेंगे। आधी कटोरी दही है हमारा, तो हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले, 7 ग्राम नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च डालेंगे, में थोड़ा सा बना हुआ जीरा पाउडर इतना, और जीरा को मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। हम डालेंगे इसमें अपना सोया चाप, कर लेंगे थोड़ा सा डालेंगे हम ऑयल इसमें 1 चम्मच के बराबर, इस तरीके से थोड़ा सा। तो हम इनको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, और इसको ढक के रख देंगे करीब हम 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसे 30 मिनट के लिए भी टाइम दे सकते हैं, बस काफ़ी रहेगा। देखिए, हमारी प्याज भुन चुकी है इस तरीके से, गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो हम डाल देंगे इसमें 4 से 5 अपने बादाम, वो काजू, तो इनको भी हल्का रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, बस इतना ही। हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में। जब तक हमारी ओनियन ठंडी हो रही है, तब तक हम कर लेंगे ग्रेवी की तैयारी। अब हम डालेंगे इसमें कुछ खड़े मसाले, थोड़ा सा जीरा डाला है मैंने, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ते और ये लाल मिर्च, ये सभी मसाले हम डाल देंगे इस तरीके से, हिलाते हुए मिक्स कर लें। ये अदरक, लहसुन और प्याज का हमने पेस्ट बना के रखा था, तो हम ये भी डाल देंगे इसमें। तो हमारी प्याज बन चुकी है, देखिए कितनी बढ़िया कलर आया है इसका, गोल्डन ब्राउन।
हम इसमें डाल देंगे एक टमाटर मीडियम साइज जो मैंने पीस के रखा था, और डाल देंगे हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है, हम उसी हिसाब से डालें। इतना हिलाते हुए इनको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब हम डालेंगे अपने मसाले, बेसिक से मसाले हैं पर घर के जो हम रोजाना यूज करते हैं, एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं है। बस हम इतने ही मसाले डालेंगे। हम डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी प्रेस करके, ये मेरे लिए मलाई अपने घर की लिए दूध से उतारी हुई ताजी, तो हम इसको इस तरीके से डाल देंगे, तो मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, तो इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे इस तरीके से, जब तक हमारा मसाला बन रहा है तब तक हम इसको पीस लेंगे काजू और प्याज को, जो मैंने भून के रखा था उसको पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी डालना, देखिए हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। तो हम देख लेते हैं अपनी कढ़ाई को, तो देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया लग रहा है देखने में हमारा मसाला। देखिए सारा तेल इसने अपने छोड़ दिया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे ही आप बनाए। तो हम डाल देंगे अपने सोया चम्स जिसको हमने मैगनीश करके रखा था इस तरीके से, फ्रेंड्स ये मसाला बचा हुआ था इसमें हमने पानी डाल के इसको भी डाल दिया, और हाई फ्लेम पर ही पकाया है, दही की फटने का चांस रहेगा, इसको चलाते रहें फ्रेंड इस तरीके से, और दही आपकी फट जाएगी बेटा, इसलिए ऐसे इस तरीके से उबाल आने तक चलाते रहें इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड उबाल आ चुका है, तो हम इसमें डाल देंगे अपनी ये प्याज जिसका हमने पेस्ट बना के रखा था, गैस को कम कर दें। अब इसे हम पका लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए कम गैस पर ही इस तरीके से। तो देखिए फिर हमारी सोया चाप बनकर तैयार है, तो इसे मैं बीच बीच में चलाती रही थी, दो बार चलाया था मैंने इसको, क्योंकि काजू पड़े हुए हैं तो इसलिए जलने का रहता है, तो मैंने इसे 2 बार चला दिया था। तो देखिए फ्रेंड कितनी बढ़िया हमारी सोया चाप कोरमा रेसिपी बनकर तैयार है। आप लोग फ्रेंड ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को, बहुत टेस्टी लगती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, तो आप इसलिए अब ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। अब हम कर देंगे अपनी गैस बंद, तो मैं इसे कर लेंगे गार्निश, कुछ हरी मिर्च काट के रखी थी हमने इस तरीके से, कुछ अदरक के टुकड़े।